चाइना की हम लोग ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे, चाइना आज दुनिया में बहुत सारी चीजों में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। तो किन किन चीजों में चाइना टॉप थ्री हम लोग देखेंगे, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग। तो फर्स्ट रैंकिंग चाइना किन किन चीजों में है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि में किन किन क्षेत्रों में वो अव्वल नंबर पर है, टॉप रैंकिंग पे है। और उसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन वाइज, यानी हम लोग देखेंगे कि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोडक्टिविटी या कुछ और फैक्टर के टर्म्स पे नहीं। तो दुनिया में चीन एग्रीकल्चरल सेक्टर में राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद वीट, फिर टोटल सेरल्स यानी कुल खाद्यान्न पदार्थ, तो चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्न पदार्थ, उसके बाद टोबैको यानी तंबाकू, फिश यानी मछलियां, टोमेटो दैट इज टमाटर, पोटैटो आलू, ऑनियन यानी प्याज, पंपकिन यानी कद्दू, एग्स अंडे, हनी यानी शहद, कॉटन यानी कपास, सिल्क यानी रेशम, वूल यानी ऊन और मटन यानी मांस। तो इन सारे चीजों के एग्रीकल्चरल मामले में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना पूरी दुनिया। अब हम देखते हैं मिनरल्स, कौन से मिनरल के रिजर्व की बात नहीं हो रही, यहां प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो किस मिनरल के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट है, तो 31 मिनरल्स के मामले में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। जिसमें से एक प्रीसियस मेटल यानी गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। टू फ्यूल मिनरल्स, दो फ्यूल मिनरल्स में कोल, कोल दो प्रकार का है, स्टीम कोल के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और कुकिंग कोल के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। फिर फेरो मिनरल्स यानी जो लौह अयस्क होते हैं या फेरस मिनरल्स जिनको कहते हैं, और उसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फेरस या फेरो मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं। तो चार फेरस मिनरल्स में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन कौन से है वो चार, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वैनेडियम, ठीक। फिर है 14 नॉन फेरस या फेरो मिनरल्स, 14 अलौह मिनरल्स के मामले में भी लार्जेस्ट है, कौन कौन से है वो, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, बिस्मत, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, स्ट्रॉन्शियम, लेड, टेल्यूरियम, कैडमियम, मर्करी, रेयर अर्थ मेटल्स, टिन और जिंक। इन 14 में जो है चाइनीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये 14 जो है ये नॉन फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। 10 इंडस्ट्रियल मिनरल्स, 10 ऐसे मिनरल्स जिनका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, उनमें से है आपका बेराइट, फ्लोस्पार, ग्रेफाइट, जिप्सम, काओलिन, काओलिन माने चाइना के लिए चीनी मिट्टी, ठीक है, काओलिन, मैग्नेसाइट, फॉस्फेट्स, सल्फर, सॉल्ट, सॉल्ट के मामले में चीन चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे यूएसए, और फिर टैल्क या टैल्कम, ठीक है, उससे पाउडर बनता है टैल्कम पाउडर। तो इन सब चीजों में वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा इकोनॉमी सेक्टर में भी कई मामलों में चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। इकोनॉमी सेक्टर में कहां कहां लार्जेस्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, इवन ऑफ बीटिंग यूएसए को बीट करते हुए चाइना ट्रिपल पी के बेसिस पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आज पूरी दुनिया में लगभग 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट चाइना करता है। बैंकिंग सेक्टर, चीन का बैंकिंग सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, और दुनिया के कई बड़े बैंकों में से जो है वो चाइनीज बैंक है। फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी आपके पास कितनी विदेशी मुद्रा है, उसके मामले में भी चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है। बिलेनियस, नंबर ऑफ बिलेनियस माने जो बिलेनियस का मतलब जो खरबपति, तो कितने खरबपति, सबसे ज्यादा खरबपति दुनिया में चीन में पाए जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए में पाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन नंबर एक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जल विद्युत उत्पादन में चाइना एक नंबर पर है। ट्रेडिंग कंट्री,
सबसे बड़ा व्यापारी कंट्री है दुनिया में ये, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ 124 कंट्रीज, 124 देशों का चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी दुनिया के 124 देश अपना सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करते हैं, जिसमें इंडिया शामिल है और आपका अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल हैं। तो ऐसे 124 देश का ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां चाइना के पास। बुलेट ट्रेन नेटवर्क, दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक बुलेट ट्रेन चलाने वाला चाइना है। रोड नेटवर्क, सड़क के मामले में सबसे लंबी दूरी तक सड़क चाइना में है। नंबर ऑफ सेल फोन्स, सबसे ज्यादा जो मोबाइल फोन है, सेल फोन्स है, वो चाइना में है। इंटरनेट यूजर्स दुनिया के सबसे ज्यादा चाइना में है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी सबसे ज्यादा चाइना करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यूएसए। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में चाइना करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मामले में चाइना नंबर वन पे है। टॉयज प्रोडक्शन, खिलौनों के उत्पादन में चाइना एक नंबर पे। लाइटिंग इंडस्ट्री, ये विभिन्न प्रकार के जो झालर वाले और बिजली वाले सामान होते हैं उसमें एक नंबर पे है। मोबाइल इंडस्ट्री यानी सेल फोन इंडस्ट्री के मामले में चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में मोबाइल चाइना में बनते हैं। नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पास है। रोबोटिक्स के मामले में, रोबोटिक्स ठीक है, चाइना नंबर पर है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एक महाद्वीप को पार करते हुए, ट्रांसकॉन्टिनेंटल माने महाद्वीप को पार करते हुए जो कई महाद्वीपों में फैला है, उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको वन बेल्ट वन रोड ओवर शॉर्ट में कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो चाइना ने शुरू किया है। टेलीकॉम मार्केट, टेलीकॉम सेक्टर में भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट चाइना में पाया जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, ठीक है, उनको बनाने वाला चीन दुनिया का नंबर वन कंट्री है। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक सेक्टर में चाइना नंबर वन है। फिर अदर्स, कुछ और मामलों में चीन नंबर वन है, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री, स्टैंडिंग माने परमानेंट आपके पास इतनी सैनिक, इतने आपके पास रहते हैं, तो लगभग 23 करोड़ सैनिक दुनिया में चीन के पास है, जो सबसे ज्यादा है। लैंड बॉर्डर, कोई भी देश सबसे लंबी दूरी तक लैंड बॉर्डर यदि कोई बनाता है तो चीन है, जो कि अपने 14 देशों के साथ 22,117 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बनाता है। इतना बॉर्डर किसी भी देश का नहीं है। ठीक है, भारत का लगभग 15,000 के आसपास लैंड बॉर्डर है अपने जो 7-8 पड़ोसी देश है उनके साथ। चाइना का दुनिया में सबसे लंबा लैंड बॉर्डर, ठीक है, 22,117 किलोमीटर लंबी। बिजिएस्ट पोर्ट, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट शंघाई पोर्ट चाइना में है। लार्जेस्ट कैनाल, दुनिया की सबसे लंबी कैनाल जिसका नाम है ग्रांड कैनाल, मैं आगे आपको उसका डिटेल बताऊंगा, लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा ये ग्रांड कैनाल चाइना में है, जो चाइना की दो नदियां यांग्टी सिक्यांग नदी और उसके येलो रिवर को आपस में जोड़ती है। लार्जेस्ट डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, थ्री गॉड्स डैम, जो यांग्टी सिक्यांग नदी पर बना हुआ है। ठीक है, शायद इसके पहले किसी वीडियो में मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पर बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो यांग्टी सिक्यांग नदी पर है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध। सीमेंट प्रोडक्शन में चीन दुनिया में नंबर वन है। केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में और स्टील के प्रोडक्शन में, इन सब में भी नंबर वन है। ठीक है, तो ये नंबर वन रैंकिंग हमने कंप्लीट कर लिया। ये याद भी करना, एक बार पढ़ के निकल जाना है, दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, सब कुछ याद करके नहीं बैठना है। सेकंड रैंकिंग दुनिया में चाइना की, सेकंड रैंकिंग किसमें है, टोटल वेल्थ, संसार में जितनी संपदा है वेल्थ है, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में हो, मिनरल के रूप में हो, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, किसी भी रूप में जो वेल्थ है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चाइना में है। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ गुड्स, वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक है चाइना दुनिया में। ठीक है, इकोनॉमी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ NGDP, माने नॉमिनल GDP, नाम मात्र की GDP के संदर्भ में जो है चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, और यही सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, जब कभी हम दुनिया की GDP को मापते हैं या देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमी कौन सी नंबर की है, कौन सी देश, तो उसको नॉमिनल GDP में ही मेजर किया जाता है। डिफेंस बजट, दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का डिफेंस बजट जो है वो चाइना में पाया जाता है नॉर्थ कोरिया के बाद। रेल नेटवर्क, इंडिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क जो है यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो चाइना में पाया जाता है। आर्म्स प्रोड्यूसर, दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है। रेप सीड, रेप सीड माने अलसी,
ठीक है, अलसी एक बीज होता है जिससे तेल निकलता है, उसके प्रोडक्शन में चाइना नंबर वन है, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में नंबर टू है, और रेपसीड में भी नंबर टू है, सॉरी हाँ ठीक है, बेरिलियम प्रोडक्शन में नंबर टू, सेलेनियम के प्रोडक्शन में नंबर टू। अब यहां देखोगे नंबर टू, अब हम देखते हैं कुछ चीजों में नंबर थर्ड भी है चाइना, कौन कौन सी चीजों में, मेज प्रोडक्शन, जिंजर प्रोडक्शन, जिंजर माने अदरक, मेज माने मक्का, बनाना प्रोडक्शन है इंडिया के बाद, इंडिया नंबर वन बनाना, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे जो है चाइना। सिल्वर प्रोडक्शन में नंबर थ्री, एस्बेस्टस प्रोडक्शन में, वर्मिक्यूलाइट प्रोडक्शन में, जिरकॉन, आयरन ओर और कॉपर, इनके प्रोडक्शन में थर्ड नंबर, ठीक है। तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हम लोग देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ तो हम नहीं देखते, ठीक। अब अगले बात यहां लिखी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कंट्रीज, दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग खनन करने वाली देश, उसमें भी नंबर वन चाइना, नंबर टू यूएसए, नंबर तीन रसिया, नंबर चौथा ऑस्ट्रेलिया, और नंबर पांच इंडिया, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हो गए। अब देखते हैं लोग, चाइनीज स्कॉलर्स और ट्रेवलर्स हु केम इंडिया, यानी चाइना के कुछ महान स्कॉलर माने अध्ययन करने वाले लोग या ट्रेवलर्स जो भारत आए प्राचीन काल में, उनमें से तीन महत्वपूर्ण है। पहला है फाहियान, ये फिफ्थ सेंचुरी एडी में आया था, उस समय भारत पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, ठीक है। तो ये सबसे पहले चाइनीज थे जो भारत आए, ये तीनों बुद्धिज्म का स्टडी करने भारत में आए थे, ठीक है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है ह्वेन सांग, ठीक है, इनको चाइनी भाषा में सुआन जांग भी कहते हैं। ये 7th सेंचुरी एडी में, उस समय भारत में हर्षवर्धन नामक एक राजा शासन करते थे, वो उस समय यहां पर आए थे, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े भी थे, ठीक है। और इन्होंने काफी लंबे समय तक भारत में रहकर अपनी एक किताब लिखी, और वो किताब भारत की उस समय की कला संस्कृति इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तीसरा व्यक्ति इत्सिंग, ये भी 7th सेंचुरी एडी में आया था, हर्षवर्धन के समय भारत में, ठीक है, लेकिन ये ह्वेन सांग के बाद आया, ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों का कभी कभी क्रम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पहले चीनी यात्री फाहियान, उसके बाद दूसरे नंबर पे ह्वेन सांग, और तीसरे नंबर पे इत्सिंग, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो चीन में हुए, ठीक है। तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन बेस्ड ऑन चाइना, ठीक, चीन ने किन किन चीजों की उत्पत्ति विकास खोज किया है देखते हैं। नंबर वन, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जो आजकल एल्कोहलिक पेय हैं, इनकी खोज चीन में हुई। नंबर दो, एक्यूपंचर, एक्यूपंचर शरीर के विभिन्न हिस्सों को कुछ दबा करके और शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर किया जाता है, ये कला एक्यूपंचर कहलाती है। बेल माने घंटी, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने मिट्टी की घंटी बनाई थी, बाद में मेटलिक घंटी बनी। बॉम्ब, बॉम्ब का विकास भी चीन में हुआ। कैनन माने तोप। चॉपस्टिक, वो चॉपस्टिक लकड़ी के वो होते हैं जिससे कुछ नूडल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, चॉपस्टिक। सीएसई माने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की उत्पत्ति बहुत पहले चाइना में हो चुकी थी। फायरवर्क्स माने पटाखे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, फुलझड़ी पटाखे, क्रेकर्स, उसका खोज भी चाइना में हुआ। आयरन स्मेल्टिंग, यानी आयरन को स्मेल्ट करके उसको स्टील बनाने की कला भी चीन में खोजी गई। काइट माने पतंग। फिर नूडल्स, नूडल्स की खोज भी चाइना में हुई। पेपर करेंसी, यानी पेपर आधारित जो बैंक नोट बनते हैं, करेंसी बनते हैं, कुबलई खान नामक एक मंगोलियन शासक थे चीन में, उन्होंने पेपर करेंसी की खोज की थी, ठीक है। और अगला है रॉ क्रॉप फार्मिंग, माने एक कतार से पंक्तिबद्ध हम विभिन्न प्रकार के फसल लगा देते हैं, ठीक है, अलग अलग पंक्तियां लिखती हैं। सीड ड्रिलिंग, जमीन को के अंदर गड्ढा करके, मतलब हल चला करके उस बीज डालने की कला भी चीन से आई। सिल्क या सेरिकल्चर की जो फार्मिंग है वो भी चीन से निकल के आया। सोयाबीन कल्टीवेशन, सोयाबीन का जो खेती है वो भी चाइना, और सोया सॉस भी चाइना। स्टाइरप, स्टाइरप माने वो घोड़े पे जीन होती है, जीन, ठीक है, घोड़े पे जब हम बैठते हैं तो एक ऐसा लटकता रहता है नीचे जिसमें हम पैर रख करके घोड़े पे चढ़ते हैं, और फिर घोड़े की पीठ के ऊपर एक हड्डी निकली रहती है जो गड़ती है हमको बैठने पर, तो उस पर जो है कुछ कपड़े वपड़े का ऊपर रख दिया जाता है, तो इन दोनों चीजों को मिलाकर कहा जाता है जीन हिंदी में, ठीक है, तो वो स्टाइलअप कहलाता है। इसके अलावा टी माने चाय की भी खोज चाइना में हुई है। टॉयलेट पेपर, टंग ऑयल, टंग ऑयल में आपको इसके पहले बता चुका हूं, ये एक ट्री से निकलने वाला तेल है जिसको लकड़ी पे पॉलिश करने पे काम में लाया जाता है। टूथब्रश, अम्ब्रेला माने छत्ता, वुडन कॉफिन
वो एक जो कब्रगाह जैसी होती ना, मतलब वो डाल दिया जाता है कब्र, वो लकड़ी का एक वो होता है जिसमें डाल दिया जाता है डेड बॉडी को, उसको वुडन कॉफिन, पोर्सलीन माने चीनी मिट्टी, पोर्सलीन, रेस्टोरेंट मेन्यू, आजकल लोग जो रेस्टोरेंट में जाते हैं बोलते मेन्यू लेके आओ, तो मेन्यू की कल्चर भी चाइना से शुरू हुआ। मैकेनिकल क्लॉक, ठीक है, मैकेनिकल क्लॉक माने अपने आप उसमें कुछ चाबी आबी भर दो और उसके बाद फिर वो घड़ी अपने आप चलती रहेगी। अर्थक्वेक डिटेक्टिंग मशीन, सीस्मोग्राफ नहीं कहना चाहिए, सीस्मोग्राफ बहुत एडवांस है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मशीन बनाया था जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता था। इसके बाद शाओलिन, शाओलिन एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, और शाओलिन टेम्पल नामक स्कूल वहां पर चलता है, मार्शल आर्ट की कला है शाओलिन। इतनी सारी चीजों की खोज चाइना में हुई है, इसमें मैंने उन चार चीजों को शामिल नहीं किया है जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, फोर ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पेपर और आपका गन पाउडर, मूवेबल टाइप, और एक और चीज क्या थी, पेपर, ठीक है, एक और चीज मुझे याद नहीं आ रहा, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पर चाइना के बारे में कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम चाइना से जुड़े हुए मुद्दे देखेंगे। थैंक यू। हाँ।